आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ट्रैफल, कस्टर्ड ट्रैफल। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क, फ्रेश मिल्क लेना है आपने, टेट्रा पैक नहीं लेना, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, फ्रेश मिल्क से टेस्ट अच्छा आता है। और उसके अंदर हमने ऐड करना है 200 ग्राम कैस्टर शुगर दानेदार, इसको हमें बॉयल करना है। इसमें आपने लेना है कस्टर्ड लेना है, और कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा आपने पानी मिक्स करके थोड़ा इसको मिक्स कर लेना है, इसको लिक्विड कर लेना है पाउडर को। वनीला कस्टर्ड लेना है, इसके अलावा फ्लेवर भी होते हैं जो आपको बेहतर लगे। देखिए ये बॉइल होने लगा, जैसे ही ये बॉइल होने लगे आपने इसको मिक्स करके, लेकिन ये मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद आपने इसको स्लो स्लो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है, और इसको हल्के हल्के से हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना। ये हो गया हमारा कस्टर्ड तैयार है। अब आपने क्या लेना है, 300 ग्राम आपने व्हिपी व्हिप क्रीम लेनी है, ये लिक्विड है, ठंडी नहीं है ये, और आपने इसमें ऐड कर देनी है, और गरम गरम में ही आपने ऐड कर देना है, उसको मिक्स करना है, और ये थोड़ी सी और लिक्विड हो जाएगा। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब हम दूसरी चीजें तैयार कर। अब आपने बेसिक स्पंज लेना है व्हाइट वाला, और उसके आपने पीस कर लेने हैं। अभी कटिंग हो गई, अभी इसको सॉफ्ट करेंगे थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क में। कंडेंस मिल्क लगाया इसको, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके नीचे तह पे लगानी है ये स्पंज, फिर आपने लेना है कॉकटेल, देखिए इसको तह बना देने में आपने इसको थोड़ा सा रखना है, लगा देना थोड़ा सा कस्टर्ड, देखिए इसके ऊपर दोबारा आपने ये स्पंज, फ्रेश फ्रूट, अपने इसमें फ्रेश फ्रूट में कोई सा भी आप, जैसा भी मैंगो का सीजन है, चीकू है, बनाना है, जो भी है, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे आप वाले उसकी फिलिंग करें। ये जेली हमने पहले बना के रखी हुई है, लेकिन लास्ट में जेली वगैरह डाल के अपने टॉपिंग पे फिर आपने कस्टर्ड डाल देना, और कस्टर्ड डाल के फिर आपने इसको ठंडा कर देना। लेकिन ये हो गया, अब इसको आपने फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है, उसके बाद आपने क्रीम व्हिप करनी है, व्हिप करने के बाद फिर इसकी डेकोरेशन करनी है आपने। इसकी फाइनल पिक जो है ना इंशाल्लाह वो फिर मैं पोस्ट में लगा दूंगा। देखिए हमारा ट्रैफल, ये कस्टर्ड ठंडा हो गया, आपने क्रीम व्हिप करनी है, थोड़ी सी ठंडी नरम रखनी है, नरम रख के फिर आपने इसकी डेकोरेशन करनी है, उसको हल्के हाथ से आपने फिर इसको लगाना है। लेकिन उसके बाद आपने ये कॉम लेनी है, और उससे आपने इसको डिजाइन बना देना है इसका। अब आपने पैकिंग बनानी है, और पैकिंग से इसकी डिजाइन करना है। बटर ब्राउन पेपर से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसकी मैं डेकोरेशन भी इस हिसाब से करूंगा। फिर किसी ने कहा था मुझे वीडियो उसमें कमेंट्स में कि सर इसको आप करीब से दिखाइएगा किस तरीके से कटिंग करते हैं। आपने सबसे पहले आपने पैकिंग बनानी है, और देखें ये आपने इसकी कटिंग करनी है जिस तरीके से ये नोजल है, इसी हिसाब से आपने इसकी तिरछी थोड़ी सी कटिंग करनी है, राउंड में करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ से यहाँ आके इसको रोक देना है ये इस तरफ, ठीक है। बिल्कुल सेम वही वाला डिजाइन जो कल मैंने उस पर बनाया था। अब इसकी पहले पाइनएप्पल से थोड़ी सी आप इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे,
लेकिन इससे आपको मैं फ्लावर बनाने सिखाता हूँ अगर आपके पास मोमोज नहीं है तो। आपने बिल्कुल इसकी कटिंग वैसी करनी है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। आप रोज भी बना सकते हैं जैसे हम नोजल से बनाते हैं वैसे ही इस पे भी आप वैसे ही बनाएंगे। ठीक है जी, आप देख लिया आपने इसी से ही आप ब्राउन पेपर से बटर पेपर से आप अपनी फ्लावर बना सकते हैं अगर आपके पास नोजल नहीं है।